ये दूर दूर तक हमारे रिश्तेदारों के फोन आ रहे, अब सेफ है कि नहीं है, हम उनसे क्या कहें। मैं तो एक चीज मैंने इस 12-13 दिन के बीच में सीखी है कि पहले हम लोगों को कहते थे कि आप कैसे हैं, लेकिन अब हम क्या पूछ रहे कि दरारें कितनी बड़ी। 30 साल हुई बरियात में यहाँ तक जल हम काटे ना मिली, पर आजकल यूं हुई बहुत मुश्किल हुई, रात में नींद नहीं दिन में भूख नहीं लागनी। रात कैंप पर रहना सो कि कमरा भरना ना डर बड़ी रात भर सियाना ने। हमारा भोटिया पड़ाव है, 25 से 30 परिवार रहते हैं वहाँ पे, कहाँ जाएंगे हम? नीचे से दसाव हो रहा और हम जाएं तो जाएं कहाँ? एक मकान अगर नीचे चले गया तो पूरा नंबर लग जाएगा ऊपर तक। डर लगते है, 12 बजे आते है, 3 बजे आते है, 10 बजे आते है, अभी क्या होते है क्या नहीं होते बोल, डर लगते। हमारे घर में देखो, हमने अपने पेट मारा, अपने कैसे करके पैसे जोड़े, हमने अपने सामान लाए हम अपने घर पे सजाने के, अपने होते ही शौक होते हैं लेडीजों का, उन्होंने क्या कर दिया, ताला मार दिया वहाँ। हमारे घर कल का दिन सामान में चूहे काट रहे होंगे वहाँ, हम गरीब आने क्या जोड़ेंगे, हम कहाँ से जोड़ेंगे, हमारे पास पैसे नहीं है, कैसे करके हमने घर बनाया, गरीब लोग है, गरीब में लाई हम लोग, बच्चे के रोजगार नहीं है, बच्चे हमारे ये सड़कों पर ये मशीन चलाते हैं, उन्होंने बंद करा दिया काम, कहाँ से बच्चे के पास पैसा आएंगे। जोशीमठ धरने स्थल पे इस वक्त मैं बैठा हुआ हूँ, आज 13वां दिन है। ये वही पहाड़ की महिलाएं हैं जो लगातार संघर्ष कर रही हैं, जिनका जीवन जो है जल जंगल जमीन तक ही सीमित रहता है, अपने परिवार और इन्हीं जल जंगल जमीन को बचाने के लिए इन्होंने अपना पूरा जीवन खपाया है। ये उस धरती से हैं जो गौरा की धरती है, गौरा देवी की धरती है। आज जो है संकट आ रहा है, जोशीमठ दरक रहा है, 13 दिन से लगातार इन्हीं का संघर्ष है जो आज देश दुनिया इनकी बात सुन रही है, लेकिन समाधान इस वक्त तक अभी मिला नहीं है। सभी महिलाओं से मैं बात करने की कोशिश करूँगा, क्या कुछ इनका दर्द है। घर का कम चाहे आपक परसारी वहाँ भी दरार आ रहा सर, वहाँ भी दरार आ रहा पूरा मकान में, और नीचे भी वो दरार आ रहा, और हमारा गाय भैंस खेत पात है सब कुछ है, कहाँ जाओ, हमने कहाँ जाना, हमने दरार कब पड़ी? वो 6-7 दिन में, 3 दिन में ना, हाँ 13-14 दिन हो गए। हाँ वैसे पहले ठीक से हालत, पहले तो बहुत बहुत बढ़िया था, 30 साल हुई बरियात में यहाँ तक जल हम काटे ना मिली, पर आजकल यूं हुई बहुत मुश्किल हुई, रात में नींद नहीं दिन में भूख नहीं लागनी। रात कैंप पर रहना सो कि कमरा भरना ना डर बड़ी रात भर सियाना ने। आपका घर कक्षा घर ये किस बेटा मार ये किस मकान बनाए की ये किस घर दरार का पुड़ी दरार अभी तो थोड़ा बहुत हल्के पटक है, ऐसा नहीं अभी जो बोले कि हल्के हल्के रन लेख है, पर डर लगते है, 12 बजे आते है, 3 बजे आते है, 10 बजे आते है, अभी क्या होते है क्या नहीं होते बोल, डर लगते। गाय भैंस वगैरह भी होंगे? गाय भैंस नहीं है, गाय भैंस हमारे गांव में यहाँ मकान बना रखा है। हमारे साहब यहाँ कारगिल में लड़ाई में थी, उनका दोनों आँख वहीं खत्म हो गए, खाली घर में आए 2016 में खत्म हो गए, वो जितने नौकरी कर रखा था उतना वो मकान पर लगा दिया, बस खाली खोखले बन गए, हम क्या करें। उन लोगों ने उतना अपनी जिंदगी भी वहाँ डाला, अपना आँख भी वहाँ दिया, दोनों आँख वहाँ समाया। बच्चे साथ में रहते हैं? बच्चे डेरा दोनों बच्चा नाती नोती पढ़ा रहे वो नीचे। अच्छा, तो जैसे दरार पड़ी आजकल तो वो कह रहे हैं इधर आ जाओ आजकल ना, वो आज तो नहीं लग रहा है, पर डर लग रहा है क्या थोड़ा सा है, वो यहाँ पर इधर से फौज है, इधर से फौज है, फौज के बीच में है ना वो। अच्छा, मतलब सबसे पहले दरार यहीं पर है, दरार अभी तो कम है हमारे, कुछ रन रेख है, ऐसे नहीं है क्योंकि घबराने ले कभी उतना नहीं है। बाकी महिलाएं भी हैं, आपका घर में जो है वहाँ दरारें कब पड़ी? सर मैं वार्ड नंबर 4 से हूँ, वहाँ के स्थानीय निवासी हैं। हमारे सामने पे जो है कि आगे से मकान है जो ये डेफोडिल के पास में रहते हैं ना, तो वहाँ आगे से जो रोड है वो पूरा जाने वाला है ना, तो उन्हीं के पीछे मतलब 3 मकान सटके हैं हमारे, तो खतरा तो होता ही है, आगे से जाएगा तो मैं भी चले जाऊँगी, लेकिन डर के मारे रह रहे हैं ना वहाँ पे, कहाँ जाएंगे हम, पूरी जिंदगी की कमाई हमने उन मकानों पे अपना सपना संजोए थे हमने, वो आज चूर होने लगा है हमारा, कहाँ जाएंगे, बच्चे पढ़ रहे हैं सब आजकल घर आ रखे हैं, कहाँ जाएंगे हम, वहीं पे सामान पूरे घर में पड़े हैं, हम जाएं तो जाएं कहाँ, रात को नींद नहीं आती है, कभी थोड़ा भी मतलब कुछ ऐसा आवाज़ आता तो सीधा 3 तारीख के लिए कह रहे हैं कि आवाजें आई थी बहुत ज़्यादा, जो है कि 3 तारीख को ही पड़ा था वो दरार, जो है कि हमारे ही मतलब बगल में, मेरे अगर बगल में आओगे तो देखोगे तो मतलब मेरे जो 1 साल हुआ है अभी दीवार डाल रखे हैं उसमें हमने 3-4 लाख खर्चा करके हमने दीवार डाली, वो बिल्कुल ऐसा ध्वस्त हो गया, लेकिन वो भी जाने वाला है नीचे, पूरा
बगल पे तीन होटलें हैं, ठीक है, डेफोडिल हो गया, शिवालिक हो गया, और अभी तो एक होटल बेचारा अभी तो बनाई है वो, लेकिन वहाँ वो जा भी नहीं पाएंगे, जो है कि रेड क्रॉस लग गया वहाँ, ठीक है। तो मैं सरकार से यही विनती करती हूँ कि जो हमारी मांगे हैं जल्द से जल्द पूरी करे वो, है कि नहीं है। इतना भाई जनता एक प्रजा है ना, हमने तो राजा बिठा रखे हैं आगे से। हम अपने प्रधानमंत्री जी से यही निवेदन करते हैं कि हमारी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करें। हम बेसहारा हैं यहाँ, जो है कि हम यहाँ रोड पे आ गए हैं, बैठे हैं हम ना, अब बर्फ आने का समय हो गया है, मौसम वो तो हमारा साथ दे रही है थोड़ा सा, हैं ऐसे ठंड में ठिठुरते ठंड में, ठंड में जो है कि पूरी महिलाएं देखो कितना कष्ट झेलते हैं यहाँ, पहाड़ की महिलाएं, घास लाओ लकड़ी लाओ कहाँ से लाएंगे, हैं दिन भर हम यहाँ बैठे हैं धरना पे, गाय भैंस घर में भूखे रखे हैं, तो क्या करेंगे, किसी के छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या बोलते हैं, माँ यहाँ बैठी है वहाँ दूध कौन पिलाएगा उनको। तो जल्द से जल्द जो है कि हमारे प्रधानमंत्री जी जो है कि इस बात को जरूर संज्ञान में ले। 13 दिन से ज़्यादा का समय हो गया है, लेकिन अभी तक जो है विस्थापन को लेकर के भी स्थिति क्लियर नहीं है, कोई उनकी सुध लेने को तैयार नहीं है। कहा जाता है यहाँ ये जो ये आपदा कंट्रोल से हमें फोन आता है तो वो लोग ये बोल रहे हैं कि जो है कि आप लोग मतलब एक तो तपोवन में बन रहा है, तपोवन हो गया, कोटी फार्म हो गया, तो क्या हम कोटी फार्म कहाँ से जाएंगे भाई। इस ठंड में लोग 6 महीने तो रह सकते हैं, लेकिन 6 महीने नहीं रह सकते हैं। हम भी 6 महीने माणा के बॉर्डर में रहते हैं, जो माणा गांव बोलते हैं ना, अंतिम गांव नहीं है वो, पहला गांव बताया था उसको, तो लेकिन क्या करें, हम 6 महीने माणा में 6 महीने यहाँ जोशीमठ सिंहदार में रहते हैं, तो हमारे यहाँ से अलावा और कहीं जगह है ही नहीं, हम कहाँ जाएँ, गरीब हैं हम, भोटिया जनजाति के लोग हैं हम, कहाँ जाएँगे हम। विस्थापन को लेकर भोटिया पड़ाव है, 25 से 30 परिवार रहते हैं वहाँ पे, कहाँ जाएँगे हम, नीचे से दसाव हो रहा है और हम जाएं तो जाएं कहाँ, एक मकान अगर नीचे चले गया तो पूरा नंबर लग जाएगा ऊपर तक। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि मतलब हमारे प्रदेश सरकार को भी और जो है कि हमारे केंद्र सरकार को भी इसमें मतलब कुछ वो हाँ देना चाहिए। विस्थापन को लेकर के भी अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं है, हम आगे सभी से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, अभी तक जो है विस्थापन को लेकर के भी जो है अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है, आपको लगता है कि सरकार अभी सुनने के मूड में है। देखिए आपने भी इनसे बात की, मेरी माता बहनों से सबका काफ़ी गुस्सा है, 3 तारीख से यहाँ धरने पे हैं लोग बैठे हुए हैं अपना दिन रातें करके, आप जानते हैं स्त्री रीढ़ है घर की भी पूरे देश की भी, उन पे जब ऐसी विपत्ति आई हुई है तो हम क्या बोलेंगे, कोई स्पष्ट क्लियरिटी नहीं है, सब यहाँ पढ़े लिखे हैं, सोशल मीडिया से खबरें आ रही हैं, दूर दूर तक हमारे रिश्तेदारों के फ़ोन आ रहे, अब सेफ है कि नहीं है, हम उनसे क्या कहें। मैं तो एक चीज़ मैंने इस 12-13 दिन के बीच में सीखी है कि पहले हम लोगों को कहते थे कि आप कैसे हैं, लेकिन अब हम क्या पूछ रहे कि दरारें कितनी बड़ी, ये हमारी स्थिति, कब तक हम इस तरह से रहेंगे। जब इसको अगर इसको राज्य सरकार नहीं कर पा रही है तो केंद्र सरकार से मदद ले वो, और तत्काल हमारे घर की हमारे मकानों की व्यवस्था करे। अभी विंटर वैकेशन है, 1 फरवरी से स्कूल खुलेगा, बच्चे कहाँ जाएंगे आप बताइए, कैसे वो पढ़ेंगे, लोगों के बच्चों में इतना हुआ है, बच्चे डिप्रेशन में आ गए हैं, वो कह रहे मामा हम कब जाएंगे स्कूल, घर कब जाएंगे, ऐसे एक एक कमरे में रह रहे हैं। जैसे आप कह रहे थे कि अभी कुछ दिन बाद ये बीमार होने वाले हैं, मेंटली सिक हो जाएंगे लोग कि हम कहाँ रहेंगे, एक कमरे में जानवरों की तरह ठूस दिया है, कब हम अपने घर जाएंगे ये हमें पता नहीं है, कब सरकार हमारी सुनेगी हमें तो ये भी खबर नहीं है। तो मेरा सरकार से एक ही निवेदन है, एक अपील मैं कर रही हूँ कि जल्दी से जल्दी हमें यहाँ से उठा के हमारे घर तक ले जाएं, और हमें जोशीमठ से कहीं नहीं जाना है, हम बार बार कह रहे हैं इस शहर, ये जो इतना ऐतिहासिक शहर है इसको इस तरह से बर्बाद मत कीजिए, आप इस शहर को बचाइए, यही मैं उनसे निवेदन करती हूँ, और आगे हम लोगों की सुने, हम यहाँ पे कब तक बैठे रहेंगे धरने, बता दीजिए, एक डेट फिक्स कर दीजिए कि आप इतने तक बैठे हम बैठे रहेंगे, उसके आगे हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन हमें इस तरह असहाय मत छोड़िए। आपका आजकल किस तरीके से पूरा दिन कट रहे हैं? ऐसे ही हम सुबह से धरन में बैठ रहे, यहीं से माता बहनों सब यहाँ धरन में बैठ रहे के गरीब आदमी में करने वाला भी कोई नहीं, छोटे छोटे बच्चे हैं, फिर मेरी तो मकान है, हमें किराए पे रहते हैं यहाँ, किसी के घर में झाड़ू पोछा करते, तो इसलिए हमारा आजकल वो काम भी बंद हो गए, ऐसे धरन में बैठ रहे के शाम भी सुबह बैठ रखा, हमारा फैसला किया नहीं, हमारा जो राज्य बैठ रखा मोदी सरकार, हमारे निवेदन करे गरीब आदमी को कहीं हमको बस आएंगे, हमारे बच्चे स्कूल पढ़ेंगे, हमारी लकड़ी भी बंद हो गई, हमारे यहाँ गैस भी नहीं है, लकड़ी में खाना बनाते, वो जंगल भी टूट गए, गांव में दशा गए, कहाँ जाएंगे हम गरीब।
आपका जो है आजकल दिन किस तरीके से कट रहे हैं? एक बहुत बुरे तरह से कट रहे हमारे दिन। हम घर में हमको आदत बनी है खुले रहने, खुले इधर उधर घूमने, अपने धूप सेकना, छोटे बच्चे हमारे पास हैं, वो बच्चों को ठंड लग रही है, होटल में रह रहे हम तो हैं, हमारे घर में देखो हमने अपने पेट मारा, अपने कैसे करके पैसे जोड़े, हमने अपने सामान लाए हम अपने घर पे सजाने के, अपने होते ही शौक होते हैं लेडीजों का, उन्होंने क्या कर दिया, ताला मार दिया वहाँ हमारा घर का। कल का दिन सामान वहाँ चूहे काट रहे होंगे वहाँ, हम गरीब पानी क्या जोड़ेंगे, हम कहाँ से जोड़ेंगे, हमारे पास पैसा नहीं है, कैसे करके हमने घर बनाया, गरीब लोग है, गरीब मिलाई है हम लोग, बच्चे के रोजगार नहीं है, बच्चे हमारे ये सड़कों पे ये मशीन चलाते हैं, उन्होंने बंद करा दिया काम, कहाँ से बच्चे के पास पैसा आएंगे। संख्या यहाँ पे जो है कोई गिनती के दो चार या दस लोग नहीं है, ये पूरी जोशीमठ की वो महिलाएं हैं जो घर की रीढ़ थी और आज इस वक्त धरने में जो है अपने दिन काटने को मजबूर हैं, लेकिन 13 दिन से ज़्यादा इन्हें हो चुके हैं और सरकार अभी तक जो है इनकी सुध नहीं ले रही है। जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले ये तमाम आंदोलन हो रहे हैं और हालात जो हैं वो अभी भी जो कि शुरुआती दिनों में बने हुए थे वही अभी भी उसी तरीके के हालात इस वक्त देखने को मिल रहे हैं।